अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में आप अपनी सेल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं काउंटर सेल। काउंटर सेल पे हम क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो आ जाएगी। अब वॉक इन कैश कस्टमर फिक्स होता है काउंटर सेल पे, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आपका चल रहा होगा, डेट ऑटोमेटिक चल रही होगी। जस्ट यहाँ पर आपको बार कोड स्कैन करना है। अभी मेरे पास बार कोड स्कैनर नहीं है तो मैं यहाँ आइटम सर्च कर लेता हूँ। एफ़ लिखा मैंने, ये फेस वॉश आ गया मेरे पास। अब ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पे क्वांटिटी आ गई। अब कस्टमर दो क्वांटिटी ले रहा है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी टू कर दूंगा, या आप दो दफ़ा स्कैन भी कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक टू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 रुपये टोटल इसकी अमाउंट बन गई, 400 रुपये के हिसाब से 800 रुपये ग्रॉस अमाउंट बन गई, ठीक है, 800 का बिल बन गया। अब मैंने टैप बटन दबाया तो ये अमाउंट रिसीव पर आ गया। अब कस्टमर ने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया, मैंने 1000 रुपये रिसीव किए तो 200 रुपये बैलेंस हो गए। अब जब मैं इसको कंट्रोल पी करूँगा, जब मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा तो ये एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, इस तरीके से स्लिप आ जाएगी जो कि आपके थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। अब इसको जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो ये आपके नेक्स्ट इनवॉइस पे ऑटोमेटिक चला जाएगा।